बीबी किसान बदलते भारत की शान। तनु को जेल भिजवाकर शांतनु से अपनी बिटिया की शादी करवाना चाहते हैं। सोचो कि अगर वो तनु को जेल भिजवा सकते हैं तो हम भी डीएसपी साहब को मिठाई भिजवा सकते हैं। और रही बात जहां तक तुम्हारी बेटी तनु की, तो पुलिस उसको ले गई है ना, छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद दोषी पाएगी तो ही सजा मिलेगी ना। क्या जरूरत है आपको उनसे ऐसे बात करने की? ये कोई तरीका है बात करने का? मैं बात कर रहा था ना उनसे। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है हमारी बेटी? आप उसे पूछताछ के लिए लाए थे ना, कहाँ है हमारी तनु? हो गई पूछताछ? हाँ, हो गई पूछताछ, और जिसका हमें डर था वही हुआ। सारे सबूत उसके खिलाफ निकले हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस कांड में उनका जरूर कोई ना कोई हाथ है। इसलिए हमने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल लोकअप में है और आज शाम तक हम उसे जेल में भी डाल देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को पूछताछ के लिए लाए थे, फिर उसे हिरासत में क्यों भेज रहे हैं आप? अरे वो नकली दवा देकर पूरे गांव को बीमार कर सकती है और हम उसे हिरासत में भी नहीं ले सकते? क्या बक रहे हो? लेकिन आपके पास सबूत क्या है कि मेरी बेटी ही नकली दवाइयों के लिए जिम्मेदार है? आप अदालत हो, अब हम आपको सबूत देंगे कि क्यों डाला हिरासत में। चलो निकलो यहाँ से, वरना पुलिस से उलझने के चार्ज में अंदर कर दूंगा। अरे आप पुलिस है या गुंडे? हाँ, सरकार ने आपको हमारी मदद के लिए रखा है और आप हमें धमकी दे रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? डालिए, किस जुर्म में अंदर डालेंगे आप? हाँ, अरे आप क्या समझते हैं हम लोग गवार जाहिल हैं? कानून पता है हमें, और हमारी बेटी कोई स्मगलर नहीं है, डॉक्टर है। डॉक्टर आपको बताना पड़ेगा कि उसे किस इल्जाम में आपने अंदर किया है, वरना मैं वकील को लेकर आऊंगी। जुबान लड़ाती है, बहुत कानून झाड़ रही है। चुप हो जा, वरना मैं तुझे। वरना क्या? तनु की माँ, तुम जरा चुप हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। वो क्या है कि बेटी को लेकर बहुत बहुत चिंतित है। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हम आपसे कोई बहस करना नहीं चाहते, और हम आपको ये भी नहीं बता रहे कि आपको कानून का पालन कैसे करना चाहिए। बस एक बार इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बच्ची से मिल लेने दीजिए, बस एक बार। अब आए ना लाइन पे, तुम जैसे लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है। यही भाषा समझ आती है तुम्हें? कायदे से पेश आते तो शायद मिलने भी देता, पर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तो कतई नहीं। बहुत शौक है ना कोर्ट कचहरी का, तो जाओ वहीं मिल लेना अपनी बेटी से। हम भी देखते हैं कि वकील क्या कर लेगा। जाओ लो मदद वकील से, बड़े आए हमें कानून सिखाने वाले। कानून चलता है धारा और दफा से, और ये धारा और दफा लगाते कौन है? हम पुलिस वाले। हम भी देखते हैं कितना कानून जानते हो तुम लोग। चलो निकलो यहां से। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, देखिए हमारी बच्ची यहाँ पर है, हम माँ बाप हैं उसके, हमारी चिंता करना स्वाभाविक है।
एक बार बस इंस्पेक्टर साहब एक बार मिलवा दीजिए, हम लोग तुरंत यहां से चले आएंगे, बस एक बार। बड़े निर्लज हो तुम लोग, तो ऐसे नहीं मानोगे। कांस्टेबल निकालो इन्हें। ये क्या कर रहे हैं? माने तो धक्के मार के बाहर निकालो। ठीक नहीं कर रहे मैं बता रहा हूँ। आई बड़ी मुझे कानून सिखाने वाली, अकल ठिकाने आ गई होगी। मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे नहीं जीना, मर जाना चाहती हूँ। नहीं जीना, मरना चाहती हूँ। मुझे नहीं नहीं चाहिए, मुझे नहीं दवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं, मर जाते मुझे, मर जाते मुझे, मर जाते मुझे, मर जाते मुझे, मर। माँ आपने ऐसी जिद कर ली है जो मुझे मेरे मकसद से रोकने वाली है। आपको कैसे बताऊं कि ऐसा करने से मैं वो नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं। मैं कैसे मान लूं आपकी बात? दादाजी इसी उम्मीद में ये दुनिया छोड़ के चले गए कि मैं उस परिवार के साथ पहले जैसा रिश्ता कर लूंगा। मुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। कुछ भी करके, कैसे भी करके तन्नू के मन से वो कड़वाहट निकालनी है मुझे। मुझे उसकी माफी हासिल करनी है। मैं जितना ही ज्यादा उस तरफ बढ़ रहा हूँ, रास्ते में उतनी ही मुश्किलें आती जा रही हैं और तन्नू को तकलीफें मिलती जा रही है मेरी तरफ से। कितना कोस रही होगी वो मुझे इस वक्त। माफी नहीं, श्राप निकल रहा होगा उसके मुंह से। मैं यहाँ गांव ये सोचकर आया था कि आखिर मैं तन्नू से और उसके घर वालों से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन मैं करने कुछ चलता हूँ, हो कुछ और जाता है। सब अचानक गड़बड़ हो गया। आज जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। प्रॉब्लम क्या है? बस हालचाल ही तो पूछना है। तन्नू के बारे में पूछ लेता हूँ, पता नहीं पूछताछ में क्या हुआ, कहाँ होगी, किस हालत में होगी। तुमने हमारी बड़ी इज्जत नवाजी की है, हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी औकात क्या है। मैं गलत था, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि लाला जी का खून इतना नीचे गिर जाएगा। शर्मसार कर देगा हमें। अब हम कभी भी पलट कर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मैं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी सूरत हमें कभी ना दिखाए। शांतनु, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि पापा ने जो किया, तनु के मम्मी पापा को जो इतना बुरा भला कहा, इतना सुना दिया, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने गलत किया।
शांतनु, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, और अगर तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा, उल्टा सीधा सुनाएगा, तो उनका खून खौलता है और मेरा भी। तो उन्होंने जो किया वो एकदम सही किया। मैं तुम्हारी भी बात समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तनु मुश्किल में है और तुम उसकी मदद करना चाहते हो, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हमारे अपने भी मुसीबत में हम अपने अपनों को छोड़कर किसी और की मदद करने तो नहीं जा सकते। तुमने जो किया वो एकदम ठीक किया। आंटी जी को देखो, उनकी तबीयत कितनी खराब है। तुम्हें उनकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। बस अब ये सोचो कि वो ठीक कैसे हो जाए, क्योंकि सिर्फ उनकी खुशी तुम्हारे लिए मायने रखती है, सिर्फ उनकी खुशी। शांतनु, तुम हिम्मत मत हारो और इन सब में तुम अपनी हालत मत खराब कर। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती। नहीं पल्लवी, मुझे जूस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे लिए लेकर आती। जी जी वकील साहब, आप देख लीजिए ना आके जमानत के लिए क्या क्या चाहिए, बता दीजिए। हाँ तनु, हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया। आज तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, मेरी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। हाँ तनु बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ पापा। हम सब बेटा बहुत परेशान हो रहे थे। अभी ये संध्या वकील को फोन लगा रही थी तेरी जमानत के लिए। नहीं, अब वकील की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तनु, ये सब हुआ कैसे? उन लोगों ने तो हिरासत में लिया था ना तुझे, और वो लोग तो कह रहे थे कि जमानत होनी बहुत मुश्किल है, फिर तुझे जेल में भेज दिया जाएगा। छोड़ कैसे दिया तुझे? पता नहीं माँ, वो लोग केस इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे थे कि मुझे लगा कि जमानत होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ, किसने किया, कुछ समझ में नहीं आया। उस इंस्पेक्टर ने मुझे लॉकअप से बाहर निकाला और कहा कि हेडक्वार्टर से डीएसपी का फोन आया था, उसने मुझे फौरन छोड़ने के लिए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से डीएसपी खुद करेंगे, और वहां जिले के अस्पताल में जांच पड़ताल होगी कि आखिर नकली दवाइयां गांव तक किसने पहुंचाई है और इस सब के पीछे कौन है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर मैडम छूट गईं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब अचानक हुआ कैसे। आखिर इस मामले की सूचना ऊपर हेडक्वार्टर में डीएसपी सर तक पहुंचाई किसने? धन्यवाद डीएसपी साहब, डॉक्टर तनु को रिहा करके आपने हमारा दिल खुश कर दिया। इस केस की सारी बागडोर अपने हाथ में लेके आपने हमारा दिल बाग बाग कर दिया। अब आपको क्या बताएं कि हमारे मन के अंदर कितने चीयर लीडर नाच रही है। कभी कोई काम हो तो हमें भी याद कीजिएगा। धन्यवाद। वाह भैया वाह, भैया आपने ऐसे मजा लगा दिए जैसे लास्ट बॉल पर छक्का मार दियो फाइनल में। भैया इसलिए आप सबसे अलग हो, कमाल करते हो भैया। कभी कभी तो भैया आप हमें जादूगर लगते हो, दिखाते हो कि हम बिल्कुल बदल चुके हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। लेकिन ये देखो, वही अर्जुन वही बाण वाला मुहावरा चरितार्थ हो गया। लो भाभी, मुसीबत में आई नहीं कि कूद पड़े समर पे, एक छटके में छुड़ा लिए उनको। हे आपके पापा तो उनको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए थे, कोशिश भी किए, एक झटके में निकाल दिया तनु भाभी को। इसलिए तो कहते हैं भैया, प्यार न कभी झुकता है न छुपता है न मरता है। भैया हमको तो अंदाजा था कि आप जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, सच तो ये है कि आप तनु भाभी पे कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। बाकी तुम नाम के बाकी, लेकिन हो बहुत सीधे। तुम्हारी समस्या क्या है पता है? कि तुम जब गेम खेलते हो संभल के नहीं खेलते, दिल से चाल चलते हो, इसीलिए मात खाते हो। जो दिल से खेलते हैं ना वो मात भी खाते हैं और लात भी,
इसीलिए हम दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेलते, जिसका नतीजा तुम्हारे साथ। हमने तनु को इसलिए छुड़वाया था कि अपने बाप की चाल को बेअसर करके उसके ऊपर अपनी चाल चल सके, उससे भी बड़ी और उससे भी घातक, और चाल भी ऐसी कि एक झटके में राजा का अंत और गेम से। ये सब तोरे नाक के नीचे होता रहा, तू करका रही थी, पर अगर तोरे रहते तोरी नाक के नीचे से वो निकल गई तो तुझे पालने का क्या मतलब है? कैसे फेल हो गई तू? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पापा, मुझे लग रहा है हमारा प्लान ना कामयाब होने वाला है। शांतनु बहुत जल्द अपनी माँ के सामने घुटने टेक देगा, एटलीस्ट उसके इमोशनल होने से तो यही लग रहा है। कहा है ना बिटिया कि चट्टान को जब नदी का पानी लगातार थपेड़े मारता है ना, तो खरा चोट से एक न एक दिन वो रेत बन ही जाता है, और बाकी की रेत में ऐसे मिल जाता है जैसे चट्टान कभी था ही नहीं। अगर कौन उसे देखेगा भी ना तो कोई ई नहीं समझ सकता कि ई रेत कभी चट्टान रही होगी। दुबे प्रधान से टकराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन कहा है कि बकत बकत का फेर है। अब देखना, परसों तू है हमसे नाराज हो रही थी, कह रही थी बाबूजी आपका कोनो प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अंग्रेजी में यह बोलती है ना तू। अरे देखा इस बार का किया हमने, एक तीर से कई निशाने लगा दिए, उस शांतनु और उसकी माँ का इतना बड़ा झगड़ा करा दिए। शांतनु की अम्मा जो है अनशन में बैठ गई, और देखना वो है अम्मा अपने लौंडे को राजी करेगी सगाई के लिए, और शांतनु भी टूट जाएगा। तोहरा शांतनु जल्द से जल्द हमारी मुट्ठी में होगा। और क्या चाहिए तुमको है? पापा आप ना ग्रेट, आपने क्या प्लान सेट किया, पर गुस्से गुस्से में ना मैं आपको कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी बात का बुरा मत माना कर। मुझे तो लगा ही नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी सेट हो जाए। मुझे अपना सपना ना पूरा होते हुए नजर आ रहा है पापा, वो भी खुशी खुशी। कौन बन मना रहा, कब छुट्टी हो? क्या हुआ पापा? हेलो, अरे कैसे छूट गई? खा खा के मुसंड होते जा रहे हो, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग? छोड़ कैसे दिया? पता नहीं डीएसपी साहब को कैसे पता चल गया, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। कल डीएसपी साहब की कॉल आई, उन्होंने डांटते उसे छोड़ देने को कहा। मैं तो डर गया था, मुझे लगा कहीं नौकरी ना चली जाए इस चक्कर में। जैसा उन्होंने कहा वैसा करना पड़ा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कमान अपने हाथ में ले ली है। और यही नहीं, उन्होंने तत्काल में सारे सबूत सब कुछ मुझसे हेडक्वार्टर में मंगवा लिए हैं। एक बात बता, ये बात डीएसपी साहब तक पहुंची कैसे? कुछ पता नहीं साहब, हम तो खुद सोच रहे हैं कि ये किसका काम है। आपने हमें जो भी पैसे दिए थे वो हम आपको वापस कर देंगे, बस आप हमसे नाराज मत होइएगा। पैसा वापस करेगा हमको? हेलो, फौरन मिलो हमसे। क्या हुआ पापा, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? लौट के बताते।
कैसे हो गया ये सब? कैसे ये बात पुलिस मुख्यालय तक पहुंची? कैसे वहां से निकल गई? उसको तो छूटना नहीं था ना, ये सब तो ही नाक के नीचे होता रहा, तू करका रही थी। पर अगर तोरे रहते तो री नाक के नीचे से वो निकल गई तो तुझे पालने का क्या मतलब है? कैसे फेल हो गई तो कैसे? जो बेटी है ना, उसके दिल में जो छेद है, उसका कानपुर में जो बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा है ना, वो हमरे दिए पैसे से चल रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर कुछ पता होता तो अब तक बता दी होती। मैंने आपका कहा कभी टाला है? जब जब जो चाहा मैंने वही किया। इस बार भी मैं आपके साथ कोई वादा खिलाफी नहीं की। आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आपने दवाइयाँ बदलने के लिए कही, मैंने कर दिया। जो मरीजों को दी गई वो असली की जगह नकली दवाइयाँ लेकर गए। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आपके ही मांगने पर मैंने तनु की एक एक जानकारी ला कर दी। वो क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, सब कुछ। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये बात पुलिस तक ऊपर पहुंची कैसे। जरूर कोई आपका ही खास है जो आपके इस खेल पर अपने खेल खेल रहा है और आपकी चाल को नाकाम कर रहा है। कौन है वो? कौन है जो हमारे खेल पे अपना खेल खेल रहा है, हमारी चाल पे अपनी चाल चल रहा है, ये जानते हुए भी? सुबह प्रधान से टकराने का अंजाम क्या होता है? जिस दिन उसका पोल पट्टी खुल गया ना, वो अपनी जान से हाथ तो बैठेगा। कौन है वो आदमी जो अपना हड्डी गुड्डी तोड़वाना चाहता है? कौन है वो? कौन है जिसको अपना जिंदगी से प्यार नहीं है? बोलो कौन है? करीब बात छोड़, ये बता कि बात पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाने में तोरा कितना योगदान है, कितना संजोग है तोरा, और क्या लाभ मिला है तुझे? ये बात भूल मत, तुम्हारी जो बेटी है ना, उसके दिल में जो छेद है, उसका कानपुर में जो बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा है ना, वो हमरे दिए पैसे से चल रहा है। वरना तुम्हारी तो उतनी तनख्वाह भी नहीं है कि उसको 2 वक्त का रोटी खिला सके। जिस दिन हमने अपना हाथ तुम्हारे सर से हटा लिया ना, उस दिन तुम्हारी बेटी के दिल का इलाज भी रुक जाएगा, उसका दिल भी रुक जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। याद रखना हमारी बात। आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं जैसे पहले काम कर रही थी आज भी वैसे ही कर रही हूँ, पूरी ईमानदारी से। मैं आपके साथ कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकती, आप भरोसा रखिए मुझ पर। और यकीन मानिए, मुझे इस पूरे मामले के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। और अगर डॉक्टर मैडम को अगर कुछ पता होता तो अब तक बता दी होती। मगर मुझे विश्वास है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको जरूर खबर दूंगी, यकीन मानिए मेरा। चल जा, ये पहला गलती है तोरा, इसलिए माफ कर दे रहे हैं। लेकिन अपना जो आंख है ना, उसको चौकन्ना रखना। वो लौंडिया तन्नू है ना, अगर अगली बार कोई चाल चलने की सोची भी तो तुरंत हमको सोचना देना, क्या समझी? ये बात तो हम पता कर ही लेंगे कि तन्नू भागी कैसे वहां से, लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है, ये बात पुलिस मुख्यालय तक कैसे पहुंची और उसको पहुंचाने वाला कौन है।
मां आप जीती और मैं हार गया। पानी पी लीजिए मां आप। मां मैं पल्लवी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जो चाहेंगी अब वही होगा। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3030 और 1800-11-3061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने उसका। रतो, ये दिलेर और रतो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे, वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान।